इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं एक शेर सुनाना चाहूंगा आपको। वबा फैली हुई है हर तरफ, वबा मतलब एपिडेमिक, महामारी। वबा फैली हुई है हर तरफ, माहौल अभी मर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो चाइना है उधर आने का नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट प्रबुद्ध हाजिर हूँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेके, एक सुझाव लेके। आप लोग इसका अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। हाल में ही चाइना में कोरोना वायरस से बहुत कुछ उथल पुथल मच रखा है। काफ़ी इलाकों में फैक्ट्रीज़ बंद हैं, वहाँ पर काम करने वाले लोग वापस नहीं आए हैं। जो शहर अफेक्टेड नहीं है वहाँ पर भी काफ़ी कुछ चल रहा है, प्रोडक्शन डाउन है। जो लोग सिर्फ असेंबली लाइन की फैक्ट्रीज़ थी वहाँ पे, दूसरे जगहों से जहाँ चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं कंपोनेंट्स, वो नहीं आए हैं। तो यदि आप सोच रहे हैं कि मार्च अप्रैल में कैंटन फेयर देखने के लिए आप गुआंगझोउ चाइना जाना चाहते हैं और आपने टिकट भी बुक कर रखा है, तो मेरा सुझाव है कि आप ऐसी रिस्क को ना लें। उसका सीधा सीधा रीज़न है, अभी तक इसका कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है। सिम्टम्स के बेस पे जो भी इलाज कर रहे हैं उसमें कुछ परसेंटेज लोग बच रहे हैं, कुछ लोग गुजर जा रहे हैं, जो कि बहुत दुखद है। तो मेरा आपसे, आपके और आपके परिवार के सुरक्षा के लिए ये सुझाव है कि आप इस बार का कैंटन फेयर, एटलीस्ट समर्स का जो कैंटन फेयर है, उसको स्किप कर जाएं, ना जाएं उसमें। आप अगर बिजनेस करना ही चाहते हैं तो आप थोड़े दिन, जहाँ आपने इतने दिन बर्दाश्त किया है, थोड़े दिन और बर्दाश्त करके आप देख लें। ये कैंटन फेयर बिल्कुल भी इस बार अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज उसमें उम्मीद है कि नहीं जाएंगी या वो बात नहीं होगी जो हर साल होती है। इसका असर मैंने हाल में ही बेंगलोर में IoT शो, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स फोर ग्रुप की तरफ से साल में एक बार होता है, बेंगलोर जाके देखा। वहाँ होम ऑटोमेशन की बहुत एक या दो कंपनीज थी, जिन मेरे ख्याल से अगर मैं पढ़ाने बैठूँ तो मैं दर्जन भर वीडियो आपको सिखा सकता हूँ होम ऑटोमेशन कैसे करना चाहिए। आप अगर होम ऑटोमेशन से सच में पैसा कमाने की सोच रहे हैं, आप चाहते हैं एक नए ज़माने के बिज़नेस से जुड़ना, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे पार्टनर्स हैं जिनसे मैं आपको कनेक्ट कर सकता हूँ। आप उनसे होम ऑटोमेशन का विद वारंटी, विद GST बिल सामान खरीद सकते हैं, एक इंस्टॉलेशन सर्विस चला सकते हैं जो आपको अच्छा पैसा देगी, क्योंकि अभी इसके प्लेयर्स कम हैं। जिस चीज़ के प्लेयर्स कम होते हैं, जिसमें गंध नहीं मचा होता है, उसमें सच में प्रॉफिट ज़्यादा होता है। मैंने भी स्टार्ट किया है छोटा सा, और आपको भी यही सुझाव दूंगा कि आप कैंटन फेयर ना जाके यहीं पे मिलने वाले ऑप्शंस ढूंढें। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बार कैंटन फेयर जाने थोड़ा रिस्की हो सकता है, आप मत जाइए। और एट द सेम टाइम मैं आपको, शेंजन से मैं काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ अब बिज़नेस के चलते, और शेंजन में आज भी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ चालू नहीं हो पाई हैं। होटल सारे सील्ड हैं, किसी होटल में आप जाके रुक नहीं सकते। तो आप खुद ही कल्पना कीजिए, अगर ऐसे हालात में आप किसी जगह पहुंचते हैं जहां पे सारे रेस्टोरेंट्स बंद हैं, सारे होटल्स बंद हैं, तो आपका गुजारा कैसे चलेगा। सेम चीज़ें गुआंगझोउ के लिए भी सुनने में आ रही हैं। गुआंगझोउ का मुझे कन्फर्मेशन नहीं है होटल वहाँ खुले हैं कि नहीं है, लेकिन डिस्टर्ब्ड तो है। हालांकि कैंटन फेयर के लिए YouTube पे कई वीडियो आए हैं कि कैंटन फेयर हैज़ बीन कैंसल्ड। एज़ पर चाइनीज़ ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई भी नोटिस उन्होंने जारी नहीं किया है, लेकिन हालात को देखते हुए, जो इस समय हालात हैं, अभी भी नए नए केसेस निकल रहे हैं, इन्फेक्शन अभी भी पाया जा रहा है, डेथ्स अभी भी हो रही हैं, जो कि काफ़ी निराशाजनक है। तो इसके चलते मुझे नहीं लगता कि कैंटन फेयर जिस शान और शौकत के लिए जाना जाता है उतना कर पाएगा। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी इस बीमारी का इलाज निकले। ये एक आवाम के लिए और एक लोगों के, हर, अब तो काफ़ी कंट्रियों में ये पहुँच चुका है वायरस, तो ये एक बहुत ही बड़ा एपिडेमिक साबित हुआ है। WHO भी इसको काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लिया है, बहुत सारी रिसर्च कंपनीज लगी हैं इसके लिए दवाई खोजने में, लेकिन अभी तक कोई इसकी वैक्सीन नहीं है। और अगर देखा जाए हिस्ट्री को, अगर आप मेडिकल हिस्ट्री में कैसे काम होता है ये देखें, तो बहुत सारी ऐसी वैक्सीन हैं जिनको डेवलप करने में 10-10 साल लग गए हैं, कम से कम। एक सेफ़ एंड साउंड ह्यूमन को देने वाली या बच्चे को देने वाली जो वैक्सीन आज की डेट में हम लोग बड़े आराम से ले जाके मीज़ल्स का, पोलियो का, सबका वैक्सीन लगवा लेते हैं, उसके पीछे 10-20-25 साल तक की रिसर्च शामिल होती है।
और शेंजन में भी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। अभी मेरे एक क्लाइंट को एक डिवाइस चाहिए थी, 500 पीसेस का उनका ऑर्डर था, पेमेंट मेरे पास था उनका ट्रांसफ़र करने के लिए बैंक से, और जब मैंने वहाँ से प्रोविजनल इनवॉइस PI जनरेट करवाई तो वो सिर्फ 75 पीसेस के लिए हो पाई, क्योंकि वो कंपनी कह रही है, जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी है, उसने कहा कि सर हम बहुत मजबूर हैं, हमारे पास सब कुछ रखा है लेकिन एक दो तीन छोटे से कंपोनेंट्स हैं जो हमें लोकली कहीं नहीं मिलते, हम उसको बीजिंग के पास से कहीं से मंगाते हैं और इस समय वो फैक्ट्री पूरी तरह से बंद है। तो ये हालात हैं। आज 26 फरवरी है, 26 फरवरी की रात है, और आज वहाँ पे जो मोबाइल एक्सेसरीज़ का मार्केट है वो भी कह लीजिए आप 30-40% खुल गया है। अभी तक तो वहाँ पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी, मार्केट नहीं खुलने दिया जा रहा था। पहला दिन था जब 30-40% दुकानें वहाँ पे खुली हैं, और वो सारा शिप आउट हो रहा है वहाँ पे, लोकल जो जाके लोग बाइंग करते हैं, बहुत सारे यहाँ मोबाइल के बिज़नेस से जुड़े हुए लोग हैं जो जाके बाइंग करते हैं वहाँ, फेस टू फेस सामने अपने माल खरीदते हैं, वो आज भी वहाँ नहीं है। कोरियर के थ्रू माल भेजा जा रहा है और बहुत सारा बिज़नेस अफेक्टेड है। तो मेरी हाथ जोड़ के ऊपर वाले से विनती है कि ये जल्दी से जल्दी इस देश को और इस विश्व को, पूरे विश्व को ही इस कोरोना वायरस से रोकथाम करने की कोई जड़ी बूटी, कोई दवाई मिल जाए, और बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही लोगों की जान बचेगी। चलते चलते आपको एक चीज़ और याद दिलाना चाहता हूँ, यहाँ पे जो वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूँ, जो शशि फोरेक्स मेरे मित्र हैं बहुत अजीज़, उनका चैनल आज से करीब 10 दिन पहले हैक हुआ था। पाकिस्तान के एक हैकिंग ग्रुप ने उसको हैक किया, उसके बाद फेसबुक पे उसको सेल के लिए लगाया, और शायद वो चैनल बिक गया है क्योंकि चैनल का जो कंट्री ऑफ ओरिजिन था वो चेंज हो गया है, और वो जो नए ओनर हैं उन्होंने 2 वीडियो भी अपलोड किए थे, डू डियर वॉट एवर नाम से चैनल रिनेम भी हो गया है, उसका मोनेटाइजेशन बंद हो चुका है। शशि भाई लगातार सबूत पे सबूत, तारीख पे तारीख YouTube के साथ काम कर रहे हैं अपना चैनल वापस पाने के लिए। तो वो जो साहब है जिन्होंने ये चैनल शायद ख़रीदा था हैकर से, मैंने उनके वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट मारे कि आपको जेल होने वाली है क्योंकि ये एक स्टोलन प्रॉपर्टी का इशू है और YouTube को रिपोर्ट हो चुका है, और शायद आप US के लैंड में बैठे हैं, वहाँ के लॉज तो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो समबडी इज़ गोइंग फॉर अ जेल टाइम। तो वो बंदा इतना डर गया कि उसने उसी शाम वो सारे वीडियो अपने जो उसने अपलोड करने शुरू किए थे वो रोक दिए हैं। अभी तक की बातचीत से बस यही लग रहा है कि शायद शशि भाई का चैनल उनको वापस मिल जाए। अगर आप शशि भाई के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो ये उनका नाम है, जिस नाम से अभी चैनल तो खुल रहा है लेकिन कोई नया वीडियो नहीं आ रहा है उनका, और चाइना में रहते हैं वो, शेंजन में, और आप उनसे उनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उनके लिए दुआ करें कि जल्द से जल्द उनको उनका चैनल वापस मिल पाए। सालों की मेहनत लगी है उसमें, किसी के भी परिश्रम को इस तरह से लूटा नहीं जाना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों।